जांजगीर चांपा जिले के गोठान में फिर मवेशियों की मौत हुई है। अभी ताजा मामला अकलतरा क्षेत्र के चंगोरी गांव के गोठान का है, जहां 37 मवेशियों की मौत हुई है। गोठान में खाना और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से यह बड़ी घटना हुई है। गोठान में 37 मवेशियों की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। मौत के तूल पकड़ने के बाद अकलतरा के नायब तहसीलदार मौके पर टीम के साथ पहुंचे और ग्रामीणों से बात करके गोठान में 37 मवेशियों की मौत की पुष्टि की। मवेशियों की मौत की इस बड़ी घटना के बाद गोठान की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं और इतने मवेशियों की मौत का जिम्मेदार कौन है। हम सभी गौ सेवा आयोग बिलासपुर से आए हुए हैं। ठीक, हमें जानकारी मिली कि ग्राम चंगोरी अकलतरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है, यहाँ पे लगभग 30-40 गायें मृत पाई गई है बोल के। तो हमारी टीम यहाँ पे आई और आने के बाद फिर यहाँ पे हमने गौठान का निरीक्षण किया। यहाँ पे मतलब पड़ी हुई है मृत हालत में, जिसमें से आधे से कम में 4-5 को कुत्ते लोग खा चुके हैं पूरा, और बहुत सारी गायों की लाशें जो है सड़ी गली अवस्था में यहाँ पे पड़ी हुई है। ये पूरी लापरवाही यहाँ के सरपंच की है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे गौठान में ला के इनको बंद कर दिया गया और इनके खाने और पीने की व्यवस्था नहीं की गई, जिनके कारण भूख प्यास से इनकी मृत्यु हो गई है। और आप चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पे मतलब पूरे गायों की लाशें पड़ी हुई है, और छिपाने के उद्देश्य से बीच में जो गौठान की फेसिंग है उनको काट के बाहर खेत की तरफ नालियों में फेंका गया है। हम लोग चाह रहे हैं कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, FIR हो, और जो भी इनके दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिनको हम लोग माँ की श्रेणी देते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार सही नहीं है, इनके साथ बहुत गलत किया गया है। इनको ना खाना दिया गया है ना ही पानी दिया गया है, जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। चंगोरी में गायों के असामान्य मृत्यु होने के संबंध में जानकारी हुई तो मौके पर आने पर हमने देखा गौठान में इस घटना की पुष्टि हुई है। कुछ गाय हैं जो 37 की संख्या में हैं जिनकी मृत्यु हुई है, और वेटनरी टीम द्वारा उसकी जांच की जा रही है कि मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, वो जांच अभी जारी है।